वालेकुम सलाम। कैसी हो अम्मा? ठीक हो? ठीक अम्मा, ठीक। ये क्या कर रही हो? एक कपास उतरी करें दी पया, एक टाइम मैं दीती है कहीं में कचरा बहुत सुथरा करके बच्ची दे भाई बिस्तरे बना गए। अच्छा, अच्छा। मेरे को इतनी पोल्यूशन कहीं नहीं जड़ी भाई, मैं घिन के कपा भाई बच्ची दी बढ़ावा। मेरा मियाँ जड़ा है दा तेरे मेरे बने खाले खट के। अच्छा, बच्ची की शादी है आपकी? आपने जी मेरी बच्ची की शादी है। ये अम्मा जी मेरे पास गई है। मेहंदी है। आप नहीं थे? चोरी को जड़ा था परने वा है। अच्छा अच्छा। 13 तारीख को शादी है। मेरा दिल तक रहने के भाई आपकी बेटी को सब को जदे मा, लेकिन मेरी इतनी पोल्यूशन का नहीं। अच्छा, ई वास्ते मैं तोरे को लंग गई। तोरी बड़ी मेहरबानी है, तुसा आ गए। जी जी। हां जेड़ को मेहरबानी थी बने मेरे किते भाई करे सो खिदमत। मैं दुआ मंगसा, नमाज पढ़सा तोरे वास्ते, दुआ तोरे हक च करे सा के मैं जड़ा दा मेरी पोल्यूशन बहुत डोने। अच्छा, मैं खुद शुगर दी मरीज हां, मैं हरीड हड्डी दे मोरे दी मरीज हां, मैं मेहनत मजदूर जोगी काई नहीं। अच्छा, मैं काई कारोबार जोगी काई नहीं। अच्छा, एक मेरा मियां 400-500 रुपए जहारी घेन के आवे घर दा क्या बन। हां, मैं रोटी वास्ते भी तंग। ये लोकेशन है अम्मा जी की, ये कमरा है साथ, ये किचन है इसका। पेटी भी बाहर ही नहीं निकाली हुई है शायद, अंदर कमरे की छत नहीं है, पता नहीं क्या है। अम्मा क्या है अंदर? अम्मा अंदर जरी कमरे की चोंड ढटी खड़ी है। अच्छा, अच्छा। पुरानी फटी पेटी है, वल बाहर काट के रख दी थी भाई, बारिश मी झाड़ भाई इन बच्चे हूँ चाकर की मैं करा दे। क्या मसला है आपका? जहेज नहीं है जी। आपके अम्मो भी नहीं दे सकते ना? नहीं। आप मेहनत मजदूरी नहीं करते? नहीं करते। अच्छा, आप अकेली थी जी? केंद्र नाल भेजा कल्हा। हाँ, बच्ची को आज वक्त है। हाँ, बिल्कुल। मैं जब खुद नहीं चल सकती, मैं बच्ची को केंद्र सिर दे भेजा। इज्जत नाल खा गए, रुखे बैठे रासू, भूखे बैठे रासू, आज वक्त कहीं नहीं कहें तो इतबार कर। मैं खुद मजबूर दे बहु परेशान हाँ। अगर थी सके मेहरबानी अम्मा दी परल्यां दी थी सकती, जो कुछ उन्हां कोल तफीक थी आवे मेरी इमदाद करे सन, मैं अपनी बच्ची दी शादी कर दी। आपकी बेटी शादी मेरी है 14 तारीख को कोई मैं जान। अच्छा, बरात है 14 तारीख को। तो आपने लिया कुछ नहीं अभी तक? हारी कुछ कह नहीं गिदा। अच्छा, तो फिर किस आसरे पे शादी कर रही हो? कहीं कहीं दे आसरे दे कहीं करे दी पई, कोई आसरा कहीं नहीं। अच्छा, कोई सहारा कहीं नहीं। अच्छा, तो फिर रुखसत कर रही हो ऐसे? हां, ई में बस जड़ा कोई थी वेसन, मैं के हे कडू ई कपा मिली है कहीं जाऊं। अच्छा, कहे आप ने भेजी है टोटे बन जा। हां, कचरे बन, कचरे बन अफसोस तो होता है नौजवान बेटी दिल तकरे दधिया को हर चीज दे बोला लेकिन उकात का नहीं। नहीं कर सकती मैं जी। जी बिल्कुल, बहुत मजबूर है। इसी माह को 14 तारीख को आपकी बेटी की शादी है जी? यही। अच्छा, डेट फिक्स कर दी है जी? कर दी है। अच्छा, 9-10 को तो ईद होगी ना? 9 को जो हज, 10 को ईद होगी ना? 13 को शादी है। 14 की बारात हो। अच्छा अच्छा, सही सही सही। मेरे को इतनी औकात का नहीं जड़ा, मैं कोई चीज पका के भाई आया मेहमान दे हाथ उन्हें दुआ गिन सा या भाई उन्हें को पानी दे दे सा, इतनी मेरे को औकात का नहीं। अच्छा, ये तो बहुत बहुत ज्यादा गरीब है, ये तो बहुत मुश्किल हालात है। अच्छा बेटा, हम इधर आए तो हमें क्या चीज चाहिए? जो तफीक उन्हें को थी वैसी हो दे। आप जो रिक्वेस्ट करेंगी? हाँ बेटा, जो उन्हां दी समझ चाहती, जो उन्हां कोल थी वैसी उन्हां दी शाबाश है। बिल्कुल सही कहा, सही कह रही है। जो फरमाइश नहीं रखे दे, ऐसा गरीब है। हां बिल्कुल, ऐसा फरमाइश नहीं। आप मुझसे तो कह सकती हो, मेरी बेटी हो। हां, मैं आपको पोतरे मेरी, ओ मेरा पोतरे, तू मेरी धी है जी। जो अगलियां कोल तफीक थी वैसी उन्हां दी शाबाश है, उन्हां दा एहसान हो सी, बरदा तक बंदा नहीं भूल सकदा जी। बिल्कुल, आप उनके लिए दुआ करना। बिल्कुल, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम जो हो सकेगा, जितना हो सका, जो थी सके इंशाल्लाह हम आप तक पहुंचेंगे। हाँ, और आपकी सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। मेरे बहन भाई इंशाल्लाह इनकी वीडियो देखेंगे। हाँ, और ये हकदार फैमिली आपके सामने है। तो ये इनके हालात है, ये कमरा भी इनका देखें, एक ही कमरा है जिसमें ये गुजारा करते हैं। और ये जो एक पेट है ना, वो सामने पड़ी हुई है, बाहर बाहर पड़ी हुई है। कहते हैं कि हमारा जो कमरा है ना ऊपर से वो भी गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी मजबूरी है, लेकिन शादी तो करनी है ना। कहते हैं बेटी को रुखसत वैसे कर रही है, अम्मा जी कहती है कि मैं बीमार रहती हूँ तो इसलिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं कह रही हूँ कि मैं शादी तो बेटी को रुखसत तो कर दूँ ना। मेरा पुत्र मेरे को कहीं एक दूज सूट आनी तन जी, एक कपा भी मेरे को दे दी है। हुन हिंदे उते दे तले दे बिस्तरा का नहीं मेरे को, जे कपड़ा मैं ए भा विच कपड़ा मैं इंदे विच घन के भर के इंदे विच रजाई सी के उते उलारा चढ़ा के बच्ची को दे दे। अच्छा, ऐसे बेटा
हाँ जी, मैं कहती हूँ मेरे पास कुछ तो हो, अगलों के ताने मैं ना सुनूं। हाँ। अगर मुझे अलग बिका दे कुछ चीज तो जो मैं अपने पास रख सकूं। हाँ। जो मैं जी। जो मैं इस्तेमाल कर सकूं, ना बर्तन हो ना कपड़े हैं, कहती है ना मेरे पास चार पहिया कोई चीज ना कोई पेटी वगैरह कुछ भी नहीं है, कहती है बेटा, कह रही है कि जो है ना मेरे साथ तावन करो आप, ये कह रही है बेटी के मुझे कुछ ना कुछ तो दे, अम्मी को कह रही है, मुझे कह रही है कि आप ना मेरी कुछ तो सपोर्ट करें क्योंकि मैं आगे जाके मुझे ताने ना मिले। हाँ। मुझे ये ना कहें अलहदा कर देते हैं तो कुछ ना कुछ सामान होना चाहिए, बर्तन का जो सामान होता है वो तो हो मेरे पास, मैं आगे जाके इस्तेमाल कर सकूँ, आपको जिंदगी भर दुआएं दूंगी। तो ये इनके हालात है आप लोगों के सामने। तो ये अम्मा और ये बेटी बैठी हुई है, इनका अबू कहती है ज़ईफ़ है बिल्कुल, वो कमा भी नहीं सकता, 200-400 बनाता है, 500 बनाता है, जितना बनाता है वो घर अखरा जाता, आपको पता है आटा मुल का। हाँ। सब्जी मुल की, सब चीज मुल की, ऐसे माना जी। मैं ना घर दाने हैं ना कोई चीज ही खावन की कहनी। अच्छा, कोई चीज ही कहनी ना दाने ना सारे को इतनी थी दी पी दाने कहनी। हाँ। जितना थी सके मेरा पुत्र तुसा जड़ा है दा हेल्प थी सके, जो थी सके तफीक उन्हें को थी सके। और डे डे में असा वजन ए नहीं रखें दे, बार नहीं रखें दे, असा कोई गाल ए नहीं आदे कि सकू ए चीज दे में रेशा है। जो उन्हें को सहूलत नजर देखें अम्मा जी, जो कहती है आपसे दिल हो आपका वही दे दे। तो जो है ना जो कुछ भी हो मुझे दे दे, मैं आपको दुआएं करूंगी। हाँ। आपके लिए बहुत ज्यादा दुआ करूंगी ताकि मुझे अगले के तारे ना सुनने पड़े। जी, जी, आपका जी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह 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 बेटा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं आप तक पहुंचूंगी। हाँ। और आपने दुआ करनी है सबके लिए, अल्लाह पाक हर किसी को सुख दे, बड़ी ईद आ रही है, सबके लिए दुआ करनी है आपने। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको भी खैर व खैरियत से रुखसत करे। हाँ। तो इंशाल्लाह मैं आप तक पहुंचूंगी जब आपकी शादी होगी। शादी तो नेड़े आ गई है, जहाड़े भी नेड़े आ गए, खाली चीज भी कोई कहनी बनाई। इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ। अभी मैं घर चलना से कुछ जिंदगी खिलावे, तेरे बच्चा को अल्लाह जिंदगी खिलावे, बड़ी जिंदगी खिलावे हो मैं अल्लाह पाक में। तो अल्लाह ताको जी, आपको मैंने इनके हालात दिखा दिए हैं सब, जो इनके हालात हैं। तो जो है ना ये मेरा मियां है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम सलाम। ये कहाँ से आ रहे हो चाचू आप? मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा, ये हालात हैं। ये बेटा कहाँ गए थे? हाँ जी, ये मेरे अब्बू हैं। अच्छा, ये काम करके अभी आएगा। ये देखे जी, ये लोग का बने खाले खट के शाम को बाल घर आ रहे हैं। ये मेरे अब्बू है, ऐसे काम करके इस वक्त आते हैं घर में, इनके कपड़े देखो और ये मुझे क्या दे सकते हैं। कहते हैं कि ये देखे अब्बू, मेरे के हालात ऐसे हैं कि कुछ देने के लायक नहीं है, जहेज में खाने पीने के लिए अभी तक कोई सब्जी वगैरह नहीं लेके आए। ऐसे चाचू जी, सब्जी सब्जी कोई नहीं घर आई है। देखें चाचू जी कहते हैं कि सारा दिन काम किया है, उन्होंने कहा कल मजदूरी देंगे हम। ऐसे कल मजदूरी देंगे। अच्छा, तो अब आज क्या पका के खाओगे आप? बस क्या पकाने खाओ, ये इनके हालात है, बोल भी नहीं सकते चाचा जी। हाँ, गरीब घर में पानी भी ना हो, आप देखें जिनके घर में कुछ भी ना हो। हाँ। खाने पीने के लिए भी कुछ ना हो, बेटी को रुख्सत कैसे करें? जी बिल्कुल, बस अल्लाह करम करे इन पर। तो जो है ना ये इनके हालात हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं।